हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, शाम हो गई है और शाम के बज रहे अभी 6, और जियान से ना अभी थोड़ी देर पहले 5:30 के आसपास वो सोया है। तो मैंने एक रूम में ना अंधेरा किया हुआ था क्योंकि वो सो रहा था, और बड़ी ही गर्मी हो रही है आज लाइट ने इतना बड़ा कट लिया है ना, बहुत बड़ा, मतलब 11 बजे से लेके शाम को 5 बजे आई है। तो मैं जियांस के साथ ना दूसरे वाले रूम में थी, एक ही फ़ैन चलाया हुआ था, टीवी भी बंद कर दिया था ताकि इन्वर्टर ना डाउन हो जाए, पता चले कि पूरा दिन हम लोग दोनों माँ बेटा परेशान ही होते रहे। तो ये जियांस ना पीछे सो रहा है अच्छे से, और अभी मैं भी थोड़ी देर पहले आराम ही करके उठी हूँ, 1 घंटा करीबन मैं सोई नहीं, मतलब मैं लेटी थी ऐसी, रील्स वगैरह एडिट कर रही थी। तो अभी मैं जाऊंगी किचन में और चाय बनाऊंगी, चाय पी के मेरे सर का जो दर्द है ना वो ठीक होगा। मुझे फ़िलहाल दवाई भी लेनी है अपनी, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो दवाई लूँगी, चाय के साथ ही ले लूँगी। तो चलो चाय। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और ना जियांस के पापा आजकल ना रोज़ ही दही खाते हैं, तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं ऐसे मिट्टी के जो बर्तन में है दही जमाऊं घर पे ही, क्योंकि वो रोज़ ना बाहर से ख़रीद के लाते थे और बाहर वाली इतनी अच्छी नहीं होती जितनी हम घर में जमाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना ये कुल्लड़ लिया है, जैसे ऑनलाइन मैं कढ़ी चावल वगैरह मंगा लेती हूँ, राजमा चावल, तो ये मैं फेंकती नहीं हूँ, इनको धो के अच्छे से रख लेती हूँ। तो काफ़ी दिन से रखा था तो मैंने सोचा क्यों ना इसी में ही जमा के देखती हूँ मेरी दही कैसी जमती है। और दही मैंने देखो इसमें कटोरे में भी जमाई हुई है, तो इसमें मैंने दूध डाल दिया, एक मलाईदार दूध था, और बस इसमें मैंने थोड़ा सा दही डाल दिया है, और अब इसको मैं ढक करके रख दूँगी। और बहुत ही अच्छी दही जमी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लग रही थी, इसमें मिट्टी का स्वाद भी आता ना हल्का हल्का सा वो। तो और ये देख सकते हो आप, ये क्लिप है परसों की, जब आपने मेरा परसों वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें ना मैंने आपको ये इस तरह के कंटेनर दिखाए थे, बड़े ही खूबसूरत थे। तो इसमें मैं आपको बता रही थी ना कहाँ लगाऊँ, जगह नहीं थी, तो मैंने इनको फिर फाइनली यहाँ पे लगाया था इस वाले ड्रॉर में। और ये दिखेंगे तो नहीं, लेकिन यहाँ फिर भी खोल के बहुत ही सुंदर लगते हैं जब ये सामने से आपको दिखते हैं इतने सुंदर सुंदर कंटेनर्स। सो फ्रेंड्स, अभी ना ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ था, मतलब अभी नहीं, मुझे हुआ था ये परसों, बट मैं जैसे कि हर चीज़ आपको दिखाती हूँ तो मैंने सोचा चलो ये भी शेयर करती हूँ आपके साथ में इसमें क्या है। तो ये मंगवाया है मैंने मीशो से ईयरिंग्स, तो ईयरिंग्स का बड़ा ही मुझे शौक़ है, आपने देखा होगा मेरी बहुत सी वीडियोस हैं ईयरिंग्स के ऊपर, कलेक्शन के ऊपर। तो चलो ये भी देख लेते हैं, वैसे मैंने ओपन करके देख ली है बट आपको मैं दिखा रही हूँ स्पेशली खोल के, क्योंकि मैं सब कुछ शेयर करती थी ये क्यों नहीं। तो मीशो से मंगाए हैं मैंने, ब्रांड का नेम है तुलसी, और ये है 167 के, मुझे 6 पेयर मिले हैं, मतलब ये थे तो 113 रुपये के, लेकिन इस पर डिलीवरी चार्ज है ना वो 66 पता नहीं कितने रुपए था, तो मुझे इस वजह से ये थोड़े से महंगे पड़े, बिना डिलीवरी चार्ज के ये डिलीवर नहीं होते, तो मैंने फिर डिलीवरी चार्ज भी दिया और ये मुझे मिले। तो ये इसकी बॉक्स है, काफ़ी अच्छी पैकिंग है, और इस तरह के कुछ क्यूट क्यूट से ईयरिंग्स हैं जो कि आपके ना ऑक्सीडाइज ईयरिंग्स हैं, ये कुर्ती वगैरह अनारकली आजकल किसी पे भी आप डाल लो बड़े ही खूबसूरत लगेंगे। तो इस तरह की ये ईयरिंग्स हैं, मैं आपको एक खोल के भी दिखाती हूँ। ये वैसे मुझे सारे तो पसंद नहीं आए डिज़ाइन, लेकिन हाँ 2-3 डिज़ाइन मुझे पसंद है, उसी की वजह से मैंने ये पूरा सेट मंगवाया है, जैसे कि ये डिज़ाइन मुझे बहुत ही पसंद है, तो ये मैंने कान में अपने डाल के भी देखा था तो बड़ा ही सुंदर लग रहा था। इस तरह के हैं ये, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, बहुत सही लग रहे हैं मुझे तो, और क्या ही बुरे हैं यार अगर 113 में आपको मिल जाते हैं, लेकिन डिलीवरी चार्ज ऑफ कोर्स वो तो देना पड़ेगा जब वो मांगते हैं, तो उसके बिना डिलीवर नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो पेयर है वो भी मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने स्पेशली 2-3 पेयर मुझे पसंद आए थे तो मैंने पूरा ही सेट ऑर्डर कर लिया,
ये वाला। इसके साथ क्या ना, मेरे पे बड़े वाले इयररिंग्स भी हैं ऐसे ही चकोर में, तो ये भी मुझे बड़े खूबसूरत लगे, कान में ना बड़े अच्छे लगते हैं, ऐसा लुक ही चेंज हो जाता है आप पहनते हो ना कपड़े वगैरह। तो ये इयररिंग्स मैंने मंगाए थे मीशो से। फ्रेंड्स ये वाले इयररिंग्स मैंने मीशो से मंगाए थे 1670 या 1667 में, मुझे प्राइस जो है इसका पूरा एग्जैक्टली नहीं पता क्या था। तो काफ़ी सुंदर हैं ये इयररिंग्स और पहनने के बाद तो और भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो चलो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना।